चलो हट हट इधर देखो ऐसे डाल रखे अब जब ये हल्के हल्के हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। आशा भाई हो आप सब अच्छे होंगे। गाइस बहुत अच्छे होंगे। सुबह मॉर्निंग का क्या काम होता है वो आपको पता ही होगा दो तीन दिन में। सो चलो करते हैं अपना। ठीक है गाइस गुड मॉर्निंग हो गई है बिकॉज यहाँ पर 5:30 बजे से 5:30 बजते बजते मतलब थोड़ा उजाला जाता है 6 बजे तक आ जाता है सूरज। तो ये देखा इधर गाय वगैरह भी लगा दिए चाचा ने। लोग उधर गेहूँ काटने जा रहे थे इस वाले खेत में। उधर डॉगी भी आ रहे। बकरियाँ डरती हैं यहाँ पर डॉगी से। वो देखो आ रही भाग के। देखो जैसे इनको देखा वैसे भागने लग गई। कुत्ते को देखते ही भाग गई। भगा इन दोनों को। हमने सुबह सुबह बर्तन धोने का ही काम है। सो गाइस बर्तन वॉश करने के बाद इधर मैंने आया चाय क्योंकि दूध भी निकाल दिया था। तो सुबह सुबह सबके लिए फटाफट मैंने चाय बनाई। और इधर देखो ये काम कर रहा है छुटकू। ब्रश करना आई हूँ। आलू और भूरी दोनों एक साथ हैं। बाकी सब लोग उधर हैं। घास खा रही है। ये गेहूँ खा रही है। ये जो इनकी बैठी खा रही है ना ये गेहूँ खा रही है। बना रही हूँ आलू प्याज की सब्जी। इधर बना रही है बुआ रोटी। बाकी हमें लोग इधर काम कर रहे हैं सब। हम लोगों का नाश्ता हो गया। अभी इन लोगों ने पूजा करके चाय पी रहे। देखो दे मैंने सफाई भी कर दी सारा झाड़ू झूड़ू लगा दिया। बाल्टियाँ भर कर रख दी मैंने सब मस्त। पूजा करके गई है। अभी कितने सारे फूल चढ़ाए मैंने तोड़ के गए थे मम्मी को। अभी धुआं धुआं हो रहा है। आज है अष्टमी। गए जस्ट हम लोग नहा धो के हो गए हैं सबके सब रेडी। एंड अभी लाइट चली गई है तो हम लोग बगीचे में आ रखे बैठते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है तो हम लोग यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर। उसके बाद जाएंगे। और आज मम्मी लोगों का फास्ट है तो वो लोग अंदर ही आज नहीं। गाइस जस्ट हम लोग बर्तन वर्तन धो के हो गए हैं रेडी बाल वगैरह बना के। सो अभी जा रही हूँ मैं खेतों में। वहाँ से लाना है बैगन। आज बनाएंगे हम लिट्टी चोखा क्योंकि आज रामनवमी के दिन हमारे यहाँ पर लिट्टी चोखा ही बनता है। और वो भी खाना बाहर बनेगा घर पे नहीं बनता। मतलब घर के आंगन में बनाते हैं और जो चूल्हे पे खाना बनता है वो सिर्फ माता रानी के लिए बनता है। तो चलो खेतों में। वो खेतों से सिर्फ इतने ही बैगन मिले। देखो बकरियों ने भी खा लिया आधा बैगन। तो इधर पे सारे बैगन हो गए हैं अब ख़राब। इसको निकालना है अब नई चीज़ लगाएंगे। सो चलो आज इतने ही बैगन मिले खेत पे। सो अब चलते हैं घर पे फिर बनाएंगे सब्जी। चलो हट हट। बैगन खाने से इनका पेट खराब हो जाता है ऐसे यहाँ पर बोलते हैं। देखो उधर पे आज भी वो गेहूँ निकाल रहे हैं। शिवम की बकरियाँ। शिवम तेरी सारी बकरियाँ भाग गई थी। ये देखो इधर तो चाची और मम्मी पर ऐसे कलश रखते हैं है ना मम्मी। शाम को रखते हैं अष्टमी के दिन। बाकी पूजा पाठ तो रोज ही करते हैं। चलो अभी शाम को देखो फाइनली गाइस हम लोगों ने आग जला दी है। इधर रख सकते हैं सारा सामान। इधर देखो ऐसे डाल रखे। अब जब ये हल्के हल्के हो जाएंगे फिर इसको अंदर ढक देंगे फिर अच्छे से जाएगा। अभी दूसरे अंगारे के ये बना दिए हमने भट्टी जैसा। फिर ये उसमें डालेंगे। इधर बैगन टमाटर भून के रखे। तो गाइस ये देखो रात को सब लोग रात में लगे दिख भी नहीं रहे ना। इधर देखो गेहूँ निकल रही तो रात के 9:30 बजे काम चल रहा है यहाँ। सारा गेहूँ निकाल देंगे आज। बस अब उधर से बोझा उठा उठा के ला रहे। सो गाइस भोरे चौपक के बाद मैं बना रही हूँ इधर सिवैयाँ। और इधर मैंने दूध रख रखा। देखो बिल्कुल ये 5 लीटर का होगा। ये बहुत बड़ा है। गर्म करके इधर बच्चों को पीने के लिए भी कर रखा है। तो अभी ये बनाती हूँ। दो काम है मेरा आज का। इधर फाइनली हम लोगों का बन गया है। सो फाइनली गाइस इस वाले ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।